तुलसीदास जी कहते हैं, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन का की बाल लीला भक्तों को सुख देने वाली है। श्री राम जी ने अपनी बाल लीलाओं से भक्तों को सुख दिया। भगवान शंकर की कथा हम लोग कल सुन रहे थे। वे देवादिदेव महादेव भी अभिभूत होते हैं श्री राघवेंद्र की मधुर मूर्ति का दर्शन करके। शिव जी और कागुसुंड जी दोनों गए राम जी का दर्शन करने, बार बार जाते हैं, लेकिन शंकर जी से पूछा गया, राम जी ने ही पूछ दिया, आपको हम किस रूप में अच्छे लगते हैं? शंकर जी बोले, पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोही भाई। शिव जी बोले, हे बाल भगवान, जब आप पीली झगुली पहनकर हथेली और घुटनों के बल जानु पानी विचरण ही जब मेरी ओर आते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जानु पानी विचरण ही मोहि भाई। और इसी रूप का ध्यान शिव जी करते हैं, बंदों बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। अब आए कागुसुंड जी। कागुसुंड जी से भगवान ने कहा कि ऐसे ठीक लग रहे हैं? कागुसुंड जी बोले, लग तो ठीक रहे हैं, जंगली तो पीली ही पहनो, पर थोड़ी झीनी पहनो, ये मोटी है। अच्छा, झीनी जंगली क्यों पहने? बोले, इसलिए ताकि पीले के भीतर से नीला भी झलकता रहे, ऐसा पर्दा ना हो कि भीतर वाला ना दिखे। भगवान ने कहा, जा ऐसे ही करते हैं तो क्या हथेली घुटनों के बल, मुझे वैसे अच्छे नहीं लगते, आप तो खड़े हो जाएं और ताली बजाकर किलक कर मेरी ओर देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, पीत झीन झगुली तन सोई, पीत झीन झगुली तन सोई, चितवन किलकनी चितवन भावत झगुली तनु सोही। आहा, श्याम सरोज सुहावनी काया पहिरे झगुली पीली। झीनी झगुली पहने, पहिरे झगुली पीली, झीन झगुलिया के भीतर सो आभा झलके नीली, धन धन भाग भुसुंडी काग लखे किलकनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। और ऐसे श्री राम जी
एक दिन मणि खंभ में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे तो डर गए। यही लीला है, जिनके स्मरण से व्यक्ति का भाव भय भाग जाता है भी भगवान, मणि खंभ में जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो डर कर भागे। गए कहां? प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भयसों भाजी चले। प्रतिबिंब निरखी रघुराई, भयसों भाजी चले। और गए कहां? डर गए। माता कौशल्या के पास है, कहते क्या जाए लगे जननी की गोद में, जाए लगे जननी की गोद में। और कहते क्या है? कहे मोहि बचाओ का। किससे डर रहे हो? किससे बचा लूं? देखहु मात एक दूजो सुत, एक दूजो शिशु मणि खंभन परत दिखाई। मेरे जैसा एक और वो दिखाई दे रहा है दूसरा। मैया समझ गई, हृदय से लगा लिया। मैया ने कहा डरो मत, सही बात तो यह है कि दूसरा कोई नहीं है तो दिखाई तो दे रहा है, भास रहा है। सच तो यह है राघवेंद्र, तुम ते भिन्न जो भासत है सो सब तुम्हारी परिछाई। वैसे राम, हे राम लला, तुमसे भिन्न जो कुछ दिखाई देता है वह तुम्हारी ही परीक्षाएं हैं। तुम्हारे अलावा न कहीं कुछ था, न है, न होगा। अब मैया तो बोध की बात करने लगी। अब राम जी ने ऐसी लीला क्यों की? इसलिए क्योंकि शत्रुपा जी ने वरदान मांगा था, सोई विवेक सोई रहानी प्रभु हम ही कृपा करी दे हो। तो भगवान ने सोचा कि उस विवेक को भी देख। और मैया ठीक ही कह रही है, तुम ते भिन्न जो भासत सो सब प्रभु तुम्हारी परिछाई। राम जी कहते मैया मुहे कछु समझ ना आवे, का आप रही समझाई। राम जी कहते मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही है। अतो तरिबान श्रवण करी मैया, शिशु को रही हृदय लगाई, भैसों भाजी चले। माता इतनी प्रसन्न होती है, गोद में ले लिया। एक दिन की बात सुनो, गोस्वामी जी कहते एक बार जननी अनवाए। ये लीला देखो, छोटे से राम जी, मैया कौशल्या ने स्नान कराया, श्रृंगार कराया और पालने में सुला दिया। और सोचा राम जी सो जाएं तब मैं भगवान की पूजा के लिए जाऊं। तो राम जी सो गए, करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए और आप गई जहां पाक बनावा।
रसोई घर में गई स्नान आदि करके भगवान को भोग लगाए पूजा करें, और वहां देखा तो राम जी वहां बैठे भोजन कर रहे हैं। भोजन करत देख सुत जाई, ये बालक भी बड़ा विलक्षण है। इसलिए इस लीला का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि कहीं इस बालक को बालक ही मत समझ लेना, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और ये सोई भी तुलसीदास जी बताते हुए चलते हैं। और यही हुआ कि कौशल्या माता ने देखा कि ये राम जी मुस्कुरा रहे हैं, और जो रसोई घर में बना है वो बैठे पा रहे भोजन कर रहे। कौशल्या जी को लगा कि अगर ये भोजन करने वाला है तो पालने में सोने वाला कौन है। तो गए जननी शिशुपा भय भीता, वहां जाकर देखा तो देखा बाल तहां पुनि सूता, राम जी सो रहे। फिर आकर देखा तो फिर वही दृश्य, यहाँ भोजन कर रहे वहां सोते हुए दिखाई दे रहे। तो यहाँ वहां दुई बालक देखा, दो बालक दिखाई पड़े। पर धन्य है माता कौशल्या, कहने लगी मति भ्रम मोर, ये मेरी बुद्धि का भ्रम हो सकता है। कितनी बढ़िया बात, अरे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम दो नहीं हो सकते, ब्रह्म कभी दो नहीं हो सकता है, हमें ब्रह्म हो सकता है दो होने का। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, इसीलिए उसमें इसमें कोई भेद नहीं है। कौशल्या जी ने जो देखा फिर गई फिर आई, बोले मेरी बुद्धि को भ्रम हो गया, मत भ्रम मोर की आन विशेखा। और जब यह देखा तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, भगवान मुस्कुराए। और जब मुस्कुराए तो भगवान का मुख खुला, तो मुख में ही कौशल्या माता ने सब कुछ देख लिया। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, भगवान अखंड है। ऐसा नहीं कि निराकार अलग साकार अलग सगुण अलग निर्गुण अलग, वे तो अखंड हैं। बालक होकर भी वे ब्रह्म हैं, यही तुलसीदास जी महाराज का संदेश है।